शाहपुर थाना अंतर्गत खटकरी के एक युवक को दुष्कर्म के मामले में दोबारा गिरफ्तार किया, भेजा जेल। अभी कुछ दिन पहले ही छूट कर आया था युवक जेल से जमानत पर, फिर भी उसने दोबारा इस तरह की हरकत कर डाली। शाहपुर थाना अंतर्गत खटकरी के एक युवक को दुष्कर्म के मामले में दोबारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। अब भी कुछ दिन पहले ही छूटा था युवक जेल से जमानत पर, फिर से उसने दोबारा इस तरीके की हरकत की। शाहपुर थाना अंतर्गत खटकरी निवासी युवक ने एक बार जेल से छूटने के बाद उसी लड़की के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। लड़की ने अपने परिजनों के साथ पुलिस थाने जाकर युवक की शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को पकड़कर कोर्ट में पेश किया और उसको दोबारा भेज दिया गया है जेल के अंदर। शाहपुर थाना अंतर्गत खटकरी निवासी एक युवक दुष्कर्म के मामले में दोबारा पकड़ा गया। उसने यह हरकत जमानत से छूटने के बाद की। जी हां, जमानत पर छूटे आरोपी ने पीड़िता से मारपीट कर दोबारा किया दुष्कर्म। शाहपुर थाना अंतर्गत खटकरी निवासी एक युवक ने जमानत पर छूटने के बाद पीड़िता के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। इस बात की शिकायत किशोरी ने परिजनों के साथ पहुंचकर शाहपुर थाने में की। शाहपुर थाना पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र की बताई गई है। पीड़िता किसी काम से अपने घर से निकलकर कहीं जा रही थी, उसी दौरान आरोपी अनुराग तिवारी निवासी खटखरी ने उसे रोक लिया। विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता हुआ अपने साथ मंदिर के पीछे ले गया और वहां दुष्कर्म किया। इस बात की शिकायत किसी से बताने पर जान से मारने की उसने धमकी दी थी। पीड़िता किसी तरीके से उस युवक से छूटकर भागी, सीधे घर पहुंची। घर पहुंचकर पीड़िता ने परिजनों को इस बात की जानकारी दी और फिर थाने में परिजनों साथ पहुंच गई। शिकायत दर्ज करवाने, हम आपको बता दें, आरोपी ने पहले भी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। अभी हाल ही में वह जमानत पर छूटकर आया था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस तरीके के आरोपियों को अब क्या कहा जाए, जिस तरीके की उसने हरकत की, एक बार नहीं दो बार। आरोपी इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुका था, फिर भी उसने इस तरीके की घिनौनी हरकत कर दोबारा कर डाली। पुलिस ने एक बार उसे फिर पकड़ा, कोर्ट में पेश करके दोबारा हवालात की हवा खाने के लिए भेज दिया। इस बारे में हमने एडिशनल SP विवेक लाल से बात की। उन्होंने भी मामले की पुष्टि करते हुए बताया, हाँ जानकारी सही है, हमारे पास शिकायत आई थी, पुलिस ने शिकायत की जांच की। जांच में जब पुलिस को मामला सच में ये लगा कि ये लड़की सही बोल रही है, तो हमने आरोपी को फिर से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। वहां से कोर्ट ने इसको एक बार जेल फिर से भेज दिया गया है। जिस तरीके से उस युवक ने, शाहपुर थाना अंतर्गत खटकरी निवासी युवक ने इस तरीके की हरकत की, उसके बारे में अब क्या कहा जाए। साफ तौर से दुष्कर्म को लेकर उसने इस तरीके की घिनौनी हरकत की, जिसको लेकर तमाम जिसने भी सुना उसने माना निश्चित रूप से उस युवक ने गलत काम किया है उस युवती के साथ। युवती ने हिम्मत दिखाई, युवक के धमकाने के बाद भी उसने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया और पहुंच गई परिजन के साथ पुलिस के पास। पुलिस ने जांच में शिकायत सही पाए जाने पर युवक को एक बार फिर से जेल की सलाखों में के पीछे पहुंचाने का काम किया। पुलिस ने युवक को पकड़ा, कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने उसको जेल में भेज दिया। इस बारे में हमने एडिशनल SP विवेक लाल से बात की। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शाहपुर थाना क्षेत्र पूर्व में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान पेश किया गया, परंतु कुछ दिन पहले वही लड़की पुनः थाने पहुंची और उसने इस घटना की पुनरावृत्ति के बारे में बताया, जिसका अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना जारी है। पहले भी दोनों उसकी परिस्थितियाँ अलग थी, प्रकरणों की, ये दूसरा इन्वेस्टिगेशन।